अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स। सो दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑन दैट टॉपिक। सो नो डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, अ हेमिस्फीयर ऑफ 50 mm डायमीटर रेस्ट सेंट्रली विद इट्स फ्लैट सरफेस एट द टॉप over a frustum of a cone of 80 mm base diameter, 60 mm top diameter and 50 mm height. Draw isometric view of the arrangement. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक frustum है किसका, कोन का, इसका डायमीटर कितना है, टॉप डायमीटर है 60, बेस डायमीटर 80 है और इसका हाइट 50 है। उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है जिसका डायमीटर 50 mm का है। किस तरह से रखा हुआ है, पहली चीज रखा हुआ है frustum के सेंटर पर, सेकेंडरी उसको फ्लैट सरफेस ऊपर की तरफ है यानी कि कर्व्ड सरफेस नीचे की तरफ है। तो पहले क्या करेंगे, फ्रस्टम ड्रॉ करेंगे कोन का। तो उसके लिए मैंने कुछ पोर्शन ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने फ्रस्टम के लिए यहाँ पे, क्योंकि बेस डायमीटर कितने का था, 80 का था, यानी कि 80 साइड ले लिया मैंने यहाँ पे, एक रोमबस बना लिया है। हाइट कितना, 50 ले लिया है। अब पहले बेस डायमीटर बनाऊंगा यहाँ पे, यानी बेस डायमीटर कितने का था, 80 का था, यानी कि नीचे वाले रोम्बस में मैं फोर सेंटर मेथड यूज़ करूंगा और यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आपको ऑलरेडी पता है फोर सेंटर मेथड कैसे यूज़ करना है, तो पहले यहाँ पे मैं एलिप्स बना लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे फोर सेंटर मेथड अप्लाई करके यहाँ पे एलिप्स कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये बेस सर्कल हो गया। अब ऊपर का जो टॉप सर्कल था कितने का था, 60 का था। कितने का था ये, 60 डायमीटर का था टॉप सर्कल, यानी कि टॉप डायमीटर कितना, 60 mm, यानी कि ये साइज तो 80 का है। तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ। कैसे शॉर्ट करूँगा, इसको शॉर्ट करने के लिए मुझे 80 का साइज़ है चाहिए, मुझे 60 का है, अंतर कितने का, 20 का आ रहा है। इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, कितना आ गया, एक पार्ट 10 mm का, कितना आ गया 10 mm, यानी कि कॉम्पास में कितना डिस्टेंस ले रहा हूँ, 10 mm। तो मैं 10 mm डिस्टेंस पहले कॉम्पास में ले लेता हूँ। ओके, मैंने कॉम्पास में 10 mm डिस्टेंस ले लिया है। अब चारों तरफ यहाँ पर कट कर दूँगा, एक यहाँ पे कट किया मैंने, एक यहाँ पे कट किया। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ से कट करूँगा इस लाइन को, तो ये 10 mm शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि इससे मिलाकर मैं जो रोम्बस बनाने वाला हूँ वो ऑटोमेटिकली 20 शॉर्ट हो जाएगा। यानी कितने का हो जाएगा ये हो जाएगा 60 का। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी मैं लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल कम और शॉर्ट वीडियो में ही पूरा डिटेल मिल जाए। अब क्या करना है, इन सामने वाले पॉइंट्स को आपस में मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा, तो ऑलरेडी ये लाइन आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल ही रहेंगी। दो हो गई, ये रही तीसरी, इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया और ये रही फोर्थ, इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने में देखें कितने पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा जस्ट, एक यहाँ मिलेगा, चार पॉइंट मिल रहा है मेरे को। अब ये रोम्बस नए वाला आया ना, अब साइज कितने का हो गया, 60 हो गया, 10 मैंने दोनों तरफ से कम कर दी। यहाँ पे फोर सेंटर मेथड अप्लाई करके यहाँ पे भी एलिप्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं एलिप्स बना लेता हूँ फोर सेंटर मेथड अप्लाई करके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे इस 60 साइज का जो कन्वर्ट किया था रोम्बस, यहाँ का मैंने फोर सेंटर मेथड से यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना होगा, इन दोनों पॉइंट्स को। तो इन दोनों पॉइंट्स को डार्क लाइन से मैंने ज्वाइन किया और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने डार्क लाइन से यहाँ पे ज्वाइन किया। जैसे मैंने यहाँ ज्वाइन किया, आप समझ रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्रस्टम नज़र आ रहा है। ओके, अब फ्रस्टम तो बन गया, इसके ऊपर रखना है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के लिए कुछ कैलकुलेशंस ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि हेमिस्फीयर जब किस हाइट पे जाना है, क्यों हेमिस्फीयर के लिए बनाना पड़ेगा बॉक्स, बॉक्स के लिए जाना पड़ेगा हाइट पे, क्योंकि हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर का आधा है, यानी कि इसका डायमीटर बराबर तो नहीं जाऊंगा मैं, कितने पे जाऊंगा, रेडियस पे जाऊंगा, तो रेडियस कितना है इसका, 25 है। अब यानी कि आपको पता है कोई भी स्फीयर या हेमिस्फीयर आप किसी सरफेस पर रखेंगे तो जो हाइट होती है वो मुझे शॉर्ट लेनी पड़ती है, वो आइसोमेट्रिक लेंथ पर लेनी पड़ती है, यानी कि 25 × 0.816 में करूँगा तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आएगा 20.4 mm। कितना आएगा, 20.4, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 2.04 सेंटीमीटर ही आएगा निकल के। तो मुझे हाइट कितना लेना है इस बॉक्स का, 2.04, यानी कि 2 सेंटीमीटर के आसपास ही लेना है। अब बात करता हूँ, क्योंकि एक डायमेंशन आपने शॉर्ट किया हेमिस्फीयर का, तो बाय डिफॉल्ट सारे डायमेंशन के शॉर्ट होंगे,
तो यानी कि उसका डायमीटर 50 लेना था, तो 50 डायमीटर का बॉक्स नहीं लूँगा मैं, कितना लूँगा 15 × 0.816 यानी कि 40.8 mm का मुझे बॉक्स चाहिए, यानी कि हाइट तो मैंने देख लिया है 2 सेंटीमीटर, ओके, या कह सकते हैं 20.4 mm इसका हाइट हो गया, मगर जो विड्थ लूँगा बॉक्स बनाने के लिए हाइट के साथ साथ, ओके, जो लंबाई चौड़ाई लेने वाला हूँ वो लेना पड़ेगा 40.8 के बराबर। अब मुझे बॉक्स का साइज़ कितना छोटा करना है, अभी जो बॉक्स है वो कितने का अवेलेबल है मुझे, 60 साइड का अवेलेबल है, 60 साइड का चाहिए मुझे कितने का, 40.8 का चाहिए, अंतर कितना आ रहा है दोनों माइनस करने पे 19.2 आ रहा है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 19 सेंटीमीटर आया, कितना आया ये 19 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे मालूम है कि लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा, लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से कट करूँगा उसको, तो मैंने इसलिए डिवाइड बाय 2 किया, तो कितना आ रहा है 0.95 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों तरफ से कितना कट करना है मुझे 0.95 सेंटीमीटर, ओके, तो मैं क्या करूँगा 0.95 सेंटीमीटर कॉम्पास में ले लेता हूँ पहले, ओके, मैंने कॉम्पास में ले लिया डिस्टेंस 0.95 सेंटीमीटर, ठीक है, अब मुझे क्या कट करना है, तो यहाँ पे इस पे जाके एक कट यहाँ करूँगा मैं, एक कट मुझे यहाँ पे करना है, ये आर्क्स में डार्क पेंसिल से इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कैमरे में आसानी से विजिबल हो जाए, एक कट मुझे यहाँ करना है, एक आँख मुझे यहाँ लगाना है, और यहाँ पर जाके एक आँख मुझे यहाँ लगाना है, फिर यहाँ पर जाकर मुझे एक आँख यहाँ लगाना है, यहाँ पर जाके कितना डिस्टेंस दिया मैंने 0.95, यानी कि दोनों प्लस कर लूँ दोनों तरफ के हिस्से को, यानी कि इसको और इसको प्लस कर लूँ कितना हो जाएगा ये 19.2 mm, यानी कि 1.9 सेंटीमीटर जो मुझे चाहिए था। अब क्या ना अपोजिट पॉइंट्स को मैं आपस में क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, तो इसको और इसको मैं आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको इसको ज्वाइन किया मैंने, फिर इसकी बारी है, इसको इसको ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा बस लेंदी है और कुछ नहीं है, आइसोमेट्रिक में तो इसी तरह के क्वेश्चन करने की आपको हैबिट डाल लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने पॉइंट्स मेरे पास आ रहे हैं इंटरसेक्शन, एक पॉइंट तो ये आया, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ आया, एक पॉइंट मेरे को यहाँ मिला, और एक पॉइंट मेरे को यहाँ मिला, इन चारों के इंटरसेक्शन पर, यानी कि जो अब ये बॉक्स हो चुका है कितने साइड का हो चुका है, ये 50 का हो चुका है, ओके, तो मैं डायमेंशनिंग कर दूंगा साथ साथ में इसकी, 50 साइड की हो गई इसकी, 50 यानी कि लेंथ 50 है मगर आइसोमेट्रिक लेंथ ले रहा हूँ, यानी कि 40.8 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी 40.8, यहाँ से यहाँ 40.8, यहाँ से यहाँ 40.8, यहाँ से यहाँ 40.8 की लेंथ पे आ गई, हाइट मुझे पता ही था, मैंने बताया था आपको कितना लेने वाला हूँ 2.04 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर के आसपास लेने वाला हूँ, तो इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, सफिशेंट है, तो इसकी हाइट में चारों पॉइंट से जाना है 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो यहाँ से कितना जाना है मुझे 2 सेंटीमीटर, यानी कि 1 और 2 सेंटीमीटर, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली, और यहाँ पे जाना है, यहाँ से मुझे कितनी डिस्टेंस मिलेगी 2.4 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से गया मैं 2 सेंटीमीटर का मिल रहा मुझे यहाँ मिल रहा है, ओके, यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ से, तो 2 सेंटीमीटर का मिलेगा, 2 सेंटीमीटर मुझे यहाँ मिलेगा, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर ही लेता हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ओके, अब इस पे जाना है मुझे 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं 2 सेंटीमीटर पे गया, तो ये कहाँ आएगा 1 और 2 सेंटीमीटर, ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है मुझे, ओके, अब क्या करूँगा इन सबको आपस में मैं ज्वाइन कर लूँगा, ये तो ऑलरेडी लाइन थी ये, इसको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एज अ लाइन, अब इन चारों को आपस में मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, इसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया, इसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया, और इसको बाद मैंने इस पे ज्वाइन किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे रोम्बस दिख रहा है, एक ये रोम्बस दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर 4 सेंटर मेथड अप्लाई करके यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ करना है, तो आई थिंक इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है, ऑलरेडी 2 जगह अपन कर चुके हैं, वही मेथड इस रोम्बस में लगाना है, तो मैं इतने पोर्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने 4 सेंटर मेथड से इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, एक्चुअल रेडियस लेना है, कितना रेडियस था इसका 25 के बराबर, और मुझे इन दो इस ये रोम्बस के अंदर मैंने बनाया था एलिप्स, ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा रोम्बस के दोनों डायगोनल का इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर पर जाना है, डिस्टेंस लेना है एक्चुअल रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे एक आर्क ड्रॉ कर लेना है, ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ओके,
तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन किस तरह से नजर आ रहा है। इसमें ये क्वेश्चन कंप्लीट तो हो गया, मगर इसमें एक चीज़ और बाकी है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको नज़र आएगा, तो इसको भी मैं तुरंत ही आपके सामने इसे डार्क कर लेता हूँ। तो इसको इतने पोर्शन को भी मैं डार्क कर देता हूँ और इतने पोर्शन को भी मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है, किसके लिए, आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार इतना लेंथी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है ये क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा लेंथी है ये क्वेश्चन बस। ओके, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।